हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे किसी भी नंबर के पहले अगर आपको जीरो ऐड करना है तो कैसे आप एक्सेल में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम चाहे एक्सेल में या गूगल शीट में जब हम किसी डेटा पर काम करते हैं तो वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि अगर हम किसी भी नंबर के पहले अगर कोई जीरो टाइप करते हैं तो वो जीरो वहाँ पर लेता नहीं, यानी कि वो उसको इग्नोर करके वही वैल्यू रखता है जो यानी कि पॉजिटिव में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं अगर एक वैल्यू का कॉलम बनाता हूँ, तो जैसे मुझे अगर यहाँ पर 0120 करना है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 0 टाइप किया पर यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक 120 आ गया है। इसी तरह अगर मैं 05 कुछ भी अगर टाइप कर रहा हूँ तो जो 56 के बाद जो नंबर है उसको तो 0 ले रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप कोई नंबर अगर रख रहे हैं तो उस केस में आप देखें कि यहाँ पर ये उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए 5000 आ गया, या अगर हम यहाँ पर 0000 60, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से हम जो है नंबर को जीरो यानी कि उसको हम ऐड नहीं कर पा रहे नंबर से पहले। अब कैसे इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, तो दो तीन स्टेप मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान और सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे आसान और सिंपल तरीका है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको यहाँ पर जीरो ऐड करना, तो यहाँ पर आप फुट नॉट यूज करेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पर अब अगर कोई भी वैल्यू आप टाइप करेंगे तो देखिए ये जीरो आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। अब चाहे जितने भी आप जीरो यहाँ पर रखें तो ये आपको इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट दे देगा। तो लेकिन आपको याद रखना कि यहाँ पर आपको फुट नॉट यूज़ करना है, विदाउट फुट नॉट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 00500, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा, 095 कुछ भी अगर रख रहे हैं तो देखिए इस तरह से। एक तरीका तो ये है फ्रेंड्स। तो प्रॉब्लम इसमें क्या है कि फिर यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाएगा, इरर दिखाएगा। अब इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर ये हम यहाँ पर अगर आएँ, इग्नोर इरर पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो अगर यानी कि आपको ये इरर हटाना है यहाँ से, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके इग्नोर इरर करेंगे, तो ये इस तरह से आप एक जीरो तो इस तरह से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर आप F2 करेंगे तो यहाँ पर आपको ये फुट नोट दिखेगा जो कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से। तो एक तरीका तो फ्रेंड्स ये था सिंपल जो मैंने आपको बताया कि आप एक्सेल में इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है उसको भी हम सीख लेते हैं। तो पहला मैंने आपको तरीका बताया फुट नॉट के थ्रू, जो कि आपको किसी भी जीरो अगर वैल्यू से पहले अगर आपको जीरो ऐड करना है तो यहाँ पर आपको फुट नॉट इस तरह से यूज़ करना है। फिर जितने भी आपको जीरो रखने हैं तो उसको आप इस तरह से यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगा। और इग्नोर इरर को अगर आपको हटाना है इसको, तो इग्नोर इरर करेंगे तो नॉर्मल आपको इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट दिख जाएगा। तो एक तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका हम जान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ रख रहा हूँ 00022, फिर यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं 00055, 00066, 00077, फिर 00055। अगर आप यहाँ पर देख ले जीरो टाइप कर रहा हूँ तो कहीं भी यानी कुछ ऐड ऑन नहीं हो रहा, यानी कि जीरो ऐड ही नहीं हो रहा पहले। तो एक तरीका इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ रैंडमली वैल्यू टाइप कर लेता हूँ, तो ये मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पर रख लिया फ्रेंड्स। अब इस पर हम जो है सेकंड स्टेप के थ्रू समझेंगे कि अगर हमें इसमें ऐड करना है जीरो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पूरे वैल्यू को जहाँ पर भी आपको जीरो को अप्लाई करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर आना है यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स के अंदर। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये फॉर्मेट सेल्स का एक पॉपअप दिखेगा, फिर इसमें आपको लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है, कस्टम वाला। तो कस्टम में जब आप आएंगे तो यहाँ जनरल आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा, तो आपको यहाँ पर जीरो पर पहले क्लिक करने लगा है, तो यहाँ पर 40 आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। तो ये देखिए मैंने अगर यहाँ पर जैसे आप यहाँ टाइप करेंगे
थ्री जीरो में तो यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ओके कर लेता हूँ, तो ये देखिए सभी पे यहाँ पर जीरो ऐड हो गया। तो इस अब इसको हम अंडू करके फिर से समझ लेते हैं एक बार। फॉर्मेट सेल्स में आना है आपको, और फिर यहाँ पर आपको कस्टम का ऑप्शन दिखेगा। तो फिर यहाँ पर एक जीरो बाइट फोर वाला इसमें टाइप करना है, तो आपको यहाँ पर थ्री जीरो टाइप करने हैं अगर आपको एक जीरो ऐड करना है, जो कि आपको यहाँ डिस्प्ले दिख रहा है। अगर आपको टू जीरो टाइप करने हैं तो यहाँ पर आप फोर जीरो टाइप करेंगे, यानी कि जो ये जो दो जीरो हैं इसको आप काउंट नहीं करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको डबल टू ही दिखाएगा। पर जैसे आप ऐड ऑन करेंगे जीरो, तो यहाँ पर देखिए इस नंबर से पहले एक जीरो ऐड हो गया है। अगर दो जीरो चाहिए तो एक तरीका तो ये है फ्रेंड्स, आप ओके करेंगे तो ये देखिए सारे आपको जीरो यहाँ पर ऐड हो गए हैं। तो ये मैंने आपको बताया दूसरा तरीका। अब चलिए समझ लेते हैं हम तीसरा तरीका। तो यहाँ पर सेम हमारी वैल्यू हम इसी को रख लेते हैं, बट ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ये मैं बताऊंगा आपको फंक्शन के थ्रू। तो फंक्शन हम क्या ट्राई करेंगे, इसमें हम फंक्शन ट्राई करेंगे रिपीट वाला। तो रिपीट में अब ये टैक्स पूछ रहा है। अब टैक्स में क्या है, क्योंकि हमें इस वैल्यू में जो वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है 22 से लेके 60 तक, इसमें हमें अब जीरो ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स रहेगा वो रहेगा जीरो कॉमा। फिर ये हमसे पूछता है कि नंबर्स टाइम्स, यानी कितने कितने जीरो आपको ऐड करना है। अगर आपको यहाँ पर एक जीरो रखना है तो आप वन टाइप करेंगे, अगर दो जीरो रखना है तो आप यहाँ दो करेंगे। अगर जिस तरह से भी आपको नीड है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ पर चार जीरो चाहिए तो यहाँ पर मैं फोर टाइप करूँगा मैनुअली, देन ब्रैकेट क्लोज, फिर एप्रोस्ट्रोफी का हम साइन लगा देंगे वाला, और देन क्योंकि हमें इसको इस पर अप्लाई करना है इस वाले पर, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस कर लेंगे। तो इंटर प्रेस करते ही देखिएगा कि इस वैल्यू में आपको जो है यहाँ पर फोर टाइम जीरो ऐड होके मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको इंटर कर लेते हैं। तो मैंने इंटर किया तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फोर जीरो ऑटोमेटिक ऐड हो गया है। अब जहाँ तक भी इसको आपको ऐड ऑन करना है, ये देखिए यहाँ पर ऐड हो गया है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स फंक्शन के थ्रू। चलिए एक बार स्टार्टिंग से हम सीख लेते हैं वन बाय वन इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया, किसी भी वैल्यू के अगर आपको पहले का जीरो ऐड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ फुट नोट ऐड करना है, फिर आप जितना चाहे जीरो यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको वन बाय वन इस तरह से ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ। एक तरीका ये था जो मैंने आपको बताया फुट नोट से। और फिर आप अगर आपको ये एरर को इग्नोर करना है तो आप यहाँ पर लेफ्ट में क्लिक करके उसको इग्नोर करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। एक मैंने आपको तरीका ये बताया। दूसरा तरीका मैंने बताया आपको सेलेक्ट कर लेना है पूरा आपको जहाँ पर इसको जीरो ऐड करना है, फिर आपको फॉर्मेट सेल्स में आके कस्टम के अंदर आना है, फिर यहाँ पर तीन जीरो अगर आपको सिंगल जीरो चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आपको टू जीरो चाहिए, दो जीरो ऐड करने हैं पहले तो यहाँ पर दो करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये था। फिर थर्ड तरीका मैंने जो आपको बताया वो बताया मैंने आपको फंक्शन के थ्रू, जो कि मैंने बताया आपको रिपीट। तो रिपीट के लिए हमें यहाँ जीरो रखना है, क्योंकि जीरो को हमने ऐड करना है। कितने टाइम में इसको ऐड करना है, कितने बार, तो अगर आपको दो बार इसको ऐड करना है तो आप टू टाइप करेंगे, क्लोज, एप्रोस्ट्रोफी यूज करेंगे, कहाँ पर अप्लाई करना है इस पर, तो इंटर प्रेस आप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर दो जीरो ऐड हो गए हैं। अब इसको आप फंक्शन से हटाएंगे तो ये आपके जीरो इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी सेम वही प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इग्नोर एरर पाएंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स आज के वीडियो में बताया है तीन स्टेप के थ्रू कि कैसे अगर आपको किसी भी नंबर के पहले अगर जीरो को ऐड करना है तो कैसे आप बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।